वेलकम बैक टू माय चैनल रागिनीज रूटीन व्लॉग। तो आज खुशहाल का स्पॉट डे है और हम पहुंच चुके हैं खुशहाल के स्कूल। खुशहाल भी रेडी हो चुका है और कल दिल्ली में नोएडा में बहुत बारिश हुई थी, उसकी वजह से थोड़ा लेट हो गया है। टाइमिंग्स इन्होंने लेट कर दी थी, 10 बजे की कर दी थी, वैसे 8 बजे की थी। तो बस 10 बजने वाले है और हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे। तो चलिए अंदर ले चलती हूँ आपको। खुशू बाय कर दो, बाय। खुशहाल जाएगा अब अपनी क्लास टीचर के साथ और हम बैठेंगे जहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट होगी। तो चलिए आप भी अंदर। यहाँ पे बच्चों का बहुत अच्छा अच्छा परफॉर्मेंस स्टार्ट हो गए थे, तो उसमें ना सॉन्ग्स से तो वो मैं कॉपीराइट की वजह से सुना नहीं पाती, क्योंकि फिर सच बताऊँ तो मेरा इतना मन था आप सबके साथ शेयर कर रही ये सब, पर मैं ना इसकी एक छोटी सी क्लिप इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर करूँगी। तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करना और ज़रूर उस पर देखना खुशहाल की। बहुत ही अच्छी सी वीडियो है ये और डांस भी बहुत ही अच्छा कर रहे थे सारे बच्चे, एंजॉय कर रहे थे ना। थोड़े बच्चे थे जो रो भी रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली जब स्कूल में होते हैं तब पेरेंट्स नहीं होते, यहाँ पे तो ये था क्लास टीचर भी है, करना भी है हमें, और सामने पेरेंट्स भी बैठे हैं, पेरेंट्स दिख रहे थे, और कई पेरेंट्स ना बार बार क्लास टीचर्स भी वॉर्न कर रहे थे पेरेंट्स को कि आप हैंड वेव मत करो, उसको आवाज़ मत दो बच्चों को, क्योंकि वो लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे। हो ही जाते हैं ना बच्चे, एक तो मुश्किल से वो अपने कंसंट्रेट करते हैं अपने परफॉर्मेंस पे और ऊपर से हम हाथ हिला हिला कर उसको बुला रहे। नो डाउट यार, एक्साइटमेंट सब में होती है, हर पेरेंट्स एक्साइटेड था कि हाँ बच्चे का पहला परफॉर्मेंस है, पहला ये इवेंट थी, बहुत ही अच्छी इवेंट थी। तो बहुत बार उन्होंने वॉर्न भी किया, ये देखिए यहाँ पे खुश इतना प्यारा डांस कर रहा था, बहुत मज़े आ रहे थे उनको। तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी इंस्टाग्राम पे, आप ज़रूर मिस मत करना, ज़रूर देखना। तो इसी चैनल के नेम से रागिनीज रूटीन ब्लॉग से ही मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, तो ज़रूर देखना। और बच्चे बहुत ही ज़्यादा प्यारे प्यारे डांस थे और सामने क्लास टीचर्स कर रहे थे, उनको देख के फॉलो करना था उनको, बहुत मज़े आ रहे थे। और एग्जैक्टली उनके पीछे ही हम, जहाँ से मैं शूट कर रही हूँ वहीं पे हम सारे पेरेंट्स बैठे हुए थे, तो बहुत मज़े आए। इन्होंने बहुत अच्छे से अरेंजमेंट सारी की थी बच्चों को, बहुत ही ना ये था कि बच्चे सारे तंग हो रहे हैं एक की वजह से, ना ये था कि हाँ बच्चों को सब ने मिल के करना है। ये स्टार्टिंग था, ये स्टार्टिंग इवेंट थी और उसके बाद इवेंट स्टार्ट हो गई। उसके बाद इन लोगों को टेंट में ले गए थे अलग अलग, क्योंकि दो ब्रांच एक साथ था ना ये इवेंट, इनका स्पॉट डे का दो ब्रांच है खुशहाल के स्कूल की, तो दोनों का एक साथ था। तो बहुत अच्छे से इन्होंने मैनेज किया हुआ था, ट्रॉफ़ीज़ दी थी सब बच्चों को जो विनर हो रहे थे, 1 2 3 नंबर दिए गए थे।
और जितने भी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था उनको मेडल दिया है, तो बहुत ही अच्छे से इन लोगों ने सब कुछ किया था। वैसे एज अ पेरेंट्स हमारा पहली बार था, तो इसी वजह से हमने ज़्यादा एंजॉय किया। और ये देखिए, ये स्टार्टिंग इवेंट इनकी ख़त्म हुई है और ये बच्चों को रो में लेके जा रहे हैं। खुशहाल देख के खुश हो रहा था और उसको पता था कि हाँ मम्मी पापा यहीं बैठे हुए हैं सामने। तो बस ये पहला शो ख़त्म हुआ, उसके बाद इनको अलग टेंट हाउस में ले गए थे, सामने ही बना हुआ था, और वहीं पे इनके स्नैक्स का, दोपहर के लंच का, सारा वाटर का भी वहीं पे सारा कुछ। उनके जो पेरेंट्स सॉरी जो टीचर्स वहाँ थे वो सब कुछ उनका ध्यान रख रहे थे। और यहाँ पे देखने के लिए स्पॉट्स शुरू हो चुके थे अलग अलग क्लासेस के बच्चों के, वो मैम वहाँ पे नाम भी ले रहे थे और वैसे वैसे बच्चों को लाया जा रहा था। तो बहुत ही मज़े आए बच्चे। और सच बताऊँ तो इन बच्चों ने कॉम्पिटिशन का कुछ भी दिखाई नहीं दिया, क्योंकि सब बच्चे इंजॉय कर रहे थे, फुल्ली इंजॉय कर रहे थे। और ये देख के पेरेंट्स में भी इतना ही एक्साइटमेंट था, इतना एंथुसियाज्म था इनके टीचर्स में भी। मतलब हम देख के खुश हो गए थे ये सारी चीज़ें ना। ये देखिए अब यहाँ पे खुशहाल की बारी आएगी। ये खुशहाल का स्पॉट स्टार्ट हो गया था, ये फर्स्ट जो ब्लू रिंग लेके दौड़ रहा है ये खुशहाल है। और एक्चुअली फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर था और ये फोर्थ आया था इसमें क्योंकि इससे ना बार बार अपने रिंग से बॉल छूट रही थी। तो ये देखिए उसने बहुत ट्राई किया था और मज़े भी बहुत आए थे उसको भी, क्योंकि उसको पता नहीं था ना कि ये कॉम्पिटिशन है। और वैसे देखा जाए तो बच्चों को पता होना भी नहीं चाहिए, बस एंजॉय करो स्पोर्ट्स जो भी है मिलकर। तो बस देखिए ये कर रहे हैं, ये खुशहाल का स्पोर्ट था। हर बच्चे के दो दो स्पोर्ट्स आए थे, तो ये बस उनके लेवल के ही स्पोर्ट्स थे, तो बहुत मज़ा आया। एक्चुअली इनकी प्रैक्टिस भी बहुत करवाई है इनके सारे स्कूल के पूरी टीम ने मिलके। पिछले एक डेढ़ महीने से प्रैक्टिस चल रही थी सारी चीज़ों की, तो बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, बहुत ही अच्छे से परफॉर्म किया है। इनका जो ये कॉस्ट्यूम दिया था वो भी बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल था। खुशहाल की बॉल फिर छूट रही है, तो उसने बहुत ही ट्राई किया था ना, पर हो जाता है हम तो बैठे बैठे बहुत हंस रहे थे क्योंकि हमें बहुत मज़े आ रहे थे ना, देख देख के सारे बच्चों को बहुत एंजॉय किया हमने। तो बस यहाँ पे ये स्पॉट फिनिश हो गई। इसके बाद भी बहुत अलग अलग चल रही थी, ब्रेक के बाद हर एक बच्चे के ग्रुप का टर्न आ रहा था, दो तीन स्पॉट जाती थी उसके बाद नंबर आ रहा था। तो ये खुशहाल का ये फर्स्ट जो बास्केट, ग्रीन बास्केट लेके खुशहाल जा रहा है, इसमें ना ये बास्केट में तीन चार आइटम्स रखी हुई थी, तो वो कलेक्ट करके फिर वापस वहीं अपने जगह पे जाना था। तो इस बीच इन्होंने बहुत सारे ब्लॉकेज भी रखे हुए थे, उनको पास करके जाना था। तो इसमें भी खुशहाल को मज़े आए थे बहुत ही। तो बस यहीं पे इसके दोनों स्पॉट्स ख़त्म हो रहे थे यहाँ पे, और ये फिनिश किया है खुशहाल ने। तो बस और उसके बाद थोड़ी देर बाद जब सारे स्पोर्ट्स ख़त्म हो गए थे, उसके बाद पेरेंट्स का भी लकी ड्रॉ की तरह जो नाम निकलता है ना, उसमें नाम निकले थे 8 पेरेंट्स के, उनकी ये रेस हुई थी सॉरी तो उनकी भी ये रेस हुई थी, बहुत मज़े आए थे। और एक तो प्रोग्राम के स्टार्टिंग में था और एक प्रोग्राम के एंड में था, लकी ड्रॉ निकला हुआ था। उसमें फर्स्ट लकी ड्रॉ में एक बहुत ही जाइंट टेडी बियर था, बहुत ही बड़ा था टेडी बियर, और जो लास्ट वाला था उसमें मिक्सी ग्राइंडर था, तो मिक्सचर था उसमें, तो वो दो लकी ड्रॉ में निकले थे। और एक्चुअली जो इन्विटेशन कार्ड था ना उसके ऊपर ही नंबर लिखे हुए थे और उसके अंदर ही अटैच था एक कूपन। तो जब भी हम यहाँ पे पहुँचे थे वेन्यू पे, तो वहाँ बाहर एक बॉक्स रखा हुआ था, उसके अंदर टेयर करके हमें सिर्फ कूपन डालना होता है, दोनों में सेम नंबर होते हैं, फिर इनविटेशन कार्ड पे नंबर हमारा जो होता है वो पता चल जाता है। और यहाँ पे टेकोंडो क्लास की परफॉर्मेंस चल रही थी, तो वो लोग भी डेमो दे रहे थे, और ये लास्ट है। अब नंबर दिए जा रहे थे, ट्रॉफीज दिए जा रही थी, फोटोग्राफ्स लिए जा रहे थे,
ये इवेंट शुरू हुई थी मॉर्निंग के 10 o'clock और फिनिश हुई थी दोपहर के 2 o'clock, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 4 आवर्स हो गए थे। और खुशहाल उनका तो वहाँ पे जो भी लंच दिया था उन्होंने, तो वो उन्होंने कर लिया था, और हमने भी घर से कुछ लाए थे। यहाँ पे भी सारा कुछ अवेलेबल था, पेबल था, तो वो भी कर सकते थे आप। तो बहुत ही अच्छे से सारी इवेंट इन्होंने मैनेज की थी। ये देखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड सबके नंबर आ रहे हैं, ट्रॉफीज दी जा रही है, फोटोग्राफर्स आए थे तो फोटो क्लिक्स हो रही थी वहाँ सबकी। और उसके बाद खुशहाल के ग्रुप का नंबर आया था, एक के बाद एक ना यहाँ से ग्रुप दे रहे थे, ट्रॉफीज दे रहे थे, मेडल्स दे रहे थे, फोटोग्राफ करवा रहे थे। और उसके बाद यहीं से बाहर निकलने का रास्ता है, जहाँ पे ग्राउंड से बाहर निकलने का, वहीं पे पेरेंट्स को बोल दिया गया था कि आप अपने बच्चे को जाके वहीं से उनका हैंडओवर दे रहे थे, तो बच्चे को लेने वहीं जाना होता था। तो ये उनके प्रिंसिपल है खुशहाल के, और खुशहाल के जो क्लास टीचर है वो तो अनाउंस कर रहे थे, तो वो नहीं दिखा पाई मैं आपको। तो बस ये खुशहाल के ग्रुप का ये फाइनल है। उसके बाद एक्चुअली यहाँ पे मेडल्स भी पहनाए जा रहे थे, और इनकी फ़ोटोग्राफ्स भी आएगी, बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोग्राफ्स भी इन्होंने क्लिक की होगी, तो वो भी जब फोटोग्राफर भेजेगा तो वो भी मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। पर हाँ, जो भी होगा वो मैं इंस्टाग्राम पर शेयर करूँगी, क्योंकि फ़ोटोग्राफ अभी मैं यहाँ शेयर नहीं कर पा रही हूँ। और ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, क्योंकि खुशहाल का वीडियो है, खुशहाल का फर्स्ट स्पॉट डे है, तो ज़रूर मुझे बताना कि कैसा लगा आपको। और बस यहाँ से खुशहाल बाहर निकल रहा था, और बाहर आके बस मिल गया था हमें। तो यहाँ पे बस मैं पूजा कर रही थी शाम की, आके हम थोड़ी देर सो गए थे तीनों। और पूजा करके मैं बिल्कुल भी टाइम सेट नहीं कर पाई थी कोई भी वीडियो क्लिप लेने के लिए, तो बस मैं मेरे वीडियो यहीं एंड करती हूँ। थोड़ा सा भी पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना जो भी नए व्यूअर्स है, अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो।
और अपने सारे फैमिली और फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करना। अगर जितना शेयर करोगे ना उतना मेरा वीडियो किसी को पसंद आएगा, कोई सब्सक्राइब करेगा और जल्दी से हमारी छोटी सी यूट्यूब फैमिली अभी है जो, वो जल्दी जल्दी से बड़ी हो जाएगी। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, शेयर भी करना और वीडियो लाइक करना। तो चलिए कल मिलूँगी एक और नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।